तो आपने कहा कि हमें आज के हिसाब से ट्रांसलेशन देखनी चाहिए, ये आपने बोला था, मैंने नहीं बोला था। तो आज के हाँ, हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन क्या करोगे आप? आज के हिसाब से इसको इस आयत का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, हम जहां तक मानते हैं कि हमें अपना दीन फॉलो करना चाहिए और बशर्ते उसमें जो खामियां हैं उस पे ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अच्छा, तो छोड़ आप देना ये कह रहे चाहिए। हैं कि कुरान को आप आधा लेंगे, यानी कि आधा भी नहीं लेंगे, सिलेक्टिव लेंगे। हाँ, तो अगर हम इस आयत को देखें तो इस आयत के मुताबिक आप इस्लाम, दीन इस्लाम से खारिज हैं। सो वेलकम आउट ऑफ इस्लाम, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं देखिए, कि आप इस्लाम से बाहर गए लगे हैं। इब्राहिम खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हेलो, जी इब्राहिम खान, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। हम जी बताइए, क्या कहेंगे आप? मुस्लिम हैं? हाँ मुस्लिम है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है सर आप? हम बिहार से हैं। बिहार से है, ठीक है। चलिए, क्या कहेंगे, किस मसलक से है आप, कुछ बता सकते हैं? देखिए, हम कुरान ये सब उतना ज्यादा पढ़े नहीं है। हम एक अच्छा, ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। अरे वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। ठीक एनआईटी दुर्गापुर से मेरा सिविल इंजीनियरिंग है ग्रेजुएशन, उसके बाद मेरा आईआईटी बॉम्बे से मेरा डिजाइन का है, डिजाइनिंग वहां से हम किए हुए थे। स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिजाइन एनालिसिस वहां से हम पढ़े थे। जबरदस्त, ठीक है। क्या कहेंगे सर, मेरे ख्याल से कई स्ट्रीम आपने देखा होगा। हाँ, हमने सारा कुछ देखा है ठीक और मुझे लगता है कि जैसे कि आप इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, जो भी चीज ठीक है, आप अपना सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये जरूर सोचना होगा कि जो आयतें उस समय नाजिल हुई थी या जो भी चीजें बोली गई थी वो 1400 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में बोली गई थी। उस समय के सिचुएशन को देख के वो चीजें लिखी गई थी। ये कोई भी चीज, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हाँ हर चीज सही होगी या हर चीज गलत होगी। मेरे हिसाब से 1400 साल पहले जो चीजें लागू हुई हैं उन चीजों में बदलाव धीरे धीरे, देखिए आप अगर पढ़िएगा आयत को, आयत भले ही कुछ भी बोले लेकिन हमको उस आयत को अभी कैसे उसको बनाया जा सकता है या अभी कैसे देखा जा सकता है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा इब्राहिम खान साहब, आपने तीन बातें की हैं, एक एक करके बात को लेते हैं, ठीक है। कुरान कहता है कि तमाम नॉन मुस्लिम जो है ना, वो दुनिया के गलीज तरीन मखलूक में से हैं, ठीक है। मैं अगर इसकी जरा एक प्रॉपर ट्रांसलेशन निकाल लूँ, एक सेकंड, ताकि पता लगे, ये लोग बदतरीन मखलूक में से हैं, ये लोग बदतरीन खलाइक में हैं, और ये लोग बदतरीन खलाइक में से। अच्छा, इसको जरा आप मुझे इस कुरान की आयत को, कुरान की आयत है ये 98, ठीक है, सूरा 98 की आयत नंबर 6 है, इसको जरा मुझे आज की दुनिया के मुताबिक ट्रांसलेट करके दिखाएं जरा। क्या कहता है वो आयत? वो कहता है कि जितने भी लोग हैं जो अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफर किया है, सारे के सारे ले लिए, हिंदू भी ले लिए, एथियस भी ले लिए, क्रिश्चियन भी ले लिए, जू भी ले लिए, सब ले लिए, ठीक है, वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे। चलो यार, ये तो मरने के बाद है, यहाँ तक की टेंशन नहीं है, और हमेशा इसमें रहेंगे। और ये लोग दुनिया की बदतरीन मखलूक में से हैं, ठीक है। अल्लाह ने मखलूक किया ना हम सबको भी, और अल्लाह ही ये बोल रहा है, इस्लाम के मुताबिक तो अल्लाह ने खलक किया, हम सबको तखलीक किया, तो अल्लाह ने हमें दुनिया की बदतरीन मखलूक कहा, क्रिएटेड वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, तमाम लिविंग बीइंग में से वर्स्ट है, यानी कि जो एक कीड़ा है, काकरोच, वो भी हम लोगों से अच्छा है, हम उससे भी ज्यादा बदतरीन है। अब इस आयत को मुझे आप आज की दुनिया की ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करके दिखाएं कि ये आज पे आयत कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। जी, अब मैं इसको दो पार्ट में आंसर दूंगा, चलेगा? नहीं, एक पार्ट में दीजिएगा। दोनों पार्ट रिलेटेड ही होंगे लेकिन समझने में आसानी होगा। चले जी, करें, देखते हैं, हम भी देखेंगे कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं इसको। जी, पहले हम बता, देखिए जो, जैसे कि आप दूसरे रिलीजन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, यानी कि क्रिश्चियन हो गए, जुइज हो गए, या फिर मतलब यहूदी हो गए या मुस्लिम हो गए, इनका जन्म जो हुआ है वो मरुस्थल में हुआ है जहां रिसोर्सेस बहुत कम थे। मरुस्थल ये मरुस्थल क्या होता है, पहले तो इसको एक्सप्लेन करें। ठीक यानी डेजर्ट, ठीक है, ये सब है? डेजर्ट में पैदा हुए हैं। हाँ, सारे डेजर्ट में अच्छा, पैदा होंगे। अगर आपको बाकी रिलीजन का नहीं पता तो मत बोले, आप इस्लाम के बारे में बोले। हाँ, इस्लाम डेजर्ट में पैदा हुआ है। आगे चले। तो देखिए, जो रिलीजन जहां पे रिसोर्सेस कम है वहां पे ये प्रॉब्लम होती है कि दूसरे लोग अगर उस रिसोर्सेस को ले रहे हैं तो वहां पे लड़ाई ज्यादा होती है, मतलब लड़ाई वहां पे ज्यादा होगी, बशर्ते वैसे जगह जहां रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडिया हो गया या फिर चाइना हो गया, ये सब रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं। तो यहाँ का जो रिलीजन होगा वो निश्चित ही शांति प्रिय होगा, चाहे वो लोग मतलब बेगैरत किस्म के होंगे, काम उम नहीं करेंगे, लेकिन जो मरुस्थल के होंगे वो जंगजू होंगे, लड़ाई करने वाले होंगे, और रिसोर्सेस कम होने के कारण वो नहीं चाहेंगे कि उनके रिसोर्सेस पे कोई दूसरा आके हक जमा ले।
तो इस कारण से उस समय बोला गया कि भाई यहाँ पे, जैसे कि अभी भी आप लेह में जाइए तो वहां पे हमेशा होता है कि यहाँ पे आयत पे आ जाए, आयत की ट्रांसलेशन हाँ, तो इसलिए वहां पे जो बोला गया मखलूक है, हाँ निश्चित है रिसोर्स जहाँ पे कम है वहां पे वो, हम भी आप भी अगर चाहिएगा जहाँ पे रिसोर्स कम है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं पड़ा, अभी वर्ल्ड में क्या हो मेरे रहा है भाई ट्रांसलेशन पे आ जा। ये जो लोग हैं जो कुरान कहता है कि तमाम नॉन मुस्लिम हैं वो डेजर्ट के हिसाब से जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वहां पे, वो कह रहा है कि ये वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स हैं। तो हाँ, तो ये इसी के सिर्फ हिसाब ये, अब आज की ट्रांसलेशन में आप इसे क्या ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि अब तो डेजर्ट में भी रिसोर्सेज हैं। तो आपने कहा कि हमें आज के हिसाब से ट्रांसलेशन देखनी चाहिए, ये आपने बोला था, मैंने नहीं बोला था। हाँ, तो कि आज के आप हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन क्या करोगे आप? आज के हिसाब से इसको, इस आयत का कोई वैल्यू नहीं है इस अच्छा इस आयत का कोई वैल्यू? इस आयत को हम उखाड़ के कुरान में से फेंक दें देखिए डस्टबिन में या वो कूड़ेदान में? हम जहां तक मानते हैं कि हमें अपना दीन फॉलो करना चाहिए, और बशर्ते उसमें जो खामियां हैं उस पर ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अच्छा, तो आप छोड़ ये कह रहे देना हैं कि कुरान को आप आधा लेंगे, यानी कि आधा भी नहीं लेंगे, सिलेक्टिव लेंगे। चाहिए। हाँ, जो अच्छा और साथ लगेगा में ये वो मान भी लेंगे। रहे कि उसमें खामियां है आज के हिसाब से। एडम, ये भी बिल्कुल एक पॉइंट आप बिल्कुल। जोड़ ले रहे नहीं हो। नहीं देखिए, मेरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। जो अब देखिए, उस समय की चीजों को अभी आप अप्लाई करें ये अच्छा नहीं लगता, और आप लोग जो कर रहे हैं वो उस समय की आयतों को लेके अभी इस्लाम को मतलब बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, आप लोग रिफॉर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रिफॉर्म जो होना चाहिए वो विद इन होना सर चाहिए। हमें कुरान सारा का सारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट मेरे भाई इब्राहिम खान साहब? हाँ, जो भी देखिए कुछ चीजों को, जैसे कि हमेशा खराब और अच्छा हमेशा होता है, और अच्छा ऐसा नहीं है, जैसे कि हम भी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है हो सकता है, जैसे कि बोला जाता है कि जो मोहम्मद साहब थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अच्छा उस तक तो बाद हो में जाएंगे। सकता नहीं, वो एक नया टॉपिक बन जाएगा, लिखना पढ़ना बता। साहिल साहब स्क्रीन दिखाइए जरा, मैं इनको दिखाऊं कि इस्लाम से खारिज हो चुके हैं और अल्लाह ने इनके ऊपर लानत भेजी है। अच्छा जी, ये कुरान की ही आयत है, ये कहती है और ना माने और कह दो कि मैं तो सिर्फ साफ साफ तंबीह करने वाला हूं, मैं तो सिर्फ खुला खुला खबरदार करने वाला हूं, जैसे कि हमने नाजिल किया इन नाजिल किया यानी कि कुरान नाजिल किया, लेकिन इन लोगों ने तकसीम कर दिया। ठीक है, कमा अनजलना अलल المقتسمين उन्होंने इसको तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, المقتسمين किन्होंने? मुसलमानों ने, जिन्होंने المقتسمين अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला। सो मोहम्मद के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी तरह कुछ कुरान नहीं लेना चाह रहे थे, वो कहते कुछ आयतें हम नहीं लेंगे, ये आयत नहीं सही है, ये आयत नहीं हमें पसंद आई, ये नहीं हमें पसंद आया। तो अलमिया ने सपोजिटली, जिनको आप अल्लाह मानते हैं खुदा मानते हैं, उन्होंने कुरान की आयत दे दी। तो अगर हम इस आयत को देखें तो इस आयत के मुताबिक आप इस्लाम, दीन इस्लाम से खारिज हैं। सो वेलकम आउट ऑफ इस्लाम, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप इस्लाम देखिए से देखिए, बाहर गए हैं। मैं मेरा मानना है कि मेरा कल्चर है जो मेरे पूर्वजों सर आप ने कल्चर मुझे, सर आप कल्चर में रहे लेकिन आप अब दीन इस्लाम से फारिग हो गए हैं, तो जी मैं जी आपको नहीं, ऐसा आप अपोस्टेसी, कैसे बोल सकते आपको हैं। सर आपको अच्छा, कुरान कह रही इसमें है। एडम एडम एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि हो जी सकता है कि आपकी बात जो है ना इनको गलत लगे। मैं सिर्फ इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा असल में इब्राहिम भाई आए और अपने ख्याल रखे, बहुत अच्छे ख्याल है इनके, इस्लाम से अच्छे ख्याल आते हैं इनके। तो इब्राहिम भाई, सिर्फ आप एक काम करिएगा, आपके आसपास जो भी मस्जिद है जी उसमें जी जी जाइए, और इमाम साहब जो भी वहां पे आलिम दीन है उनसे सिर्फ ये कहिएगा कि मैं कुरान की इस आयत को नहीं मानता हूँ आज के पसे मंजर में या आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और फिर यहाँ पे आके आप हमें भी बताइएगा कि वो इमाम साहब ने आप पे क्या फतवा लगाया। ठीक है ना मैडम, इस तरीके से उम्मीद है कि इनके समझ में आए बात। देखिए, बेहतरीन जो सर। अब जो इमाम लोग हैं वो, अगर हम इंडिया में देखें, हम जहां रहते हैं वहां पे वो लोग उतना जानकार भी नहीं है। तो अभी माशाल्लाह, अगर मेरे से पूछिए तो हम इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए सर एक हैं। काम करें, जरा यासीन सुना दें, जी, यासीन सुना दें जरा, क्या यासीन सुना दे? नहीं क्या पता हमको यासीन? यासीन। सर देखिए, अगर आप हम मतलब मेरे से पूछिए तो हम यही बोलेंगे कि हम इस्लाम को छोड़ नहीं सकते हैं। इस्लाम जो है वो एक रिलीजन ऑफ पीस है। और सर इस्लाम में आ तो जाए फिर छोड़िए। ब्रदर इब्राहिम भाई, देखिए मसला ये है ना कि असल में आपने इस्लाम को समझा ही नहीं है। आपको सूरह यासीन, यासीन सूरह यासीन अगर किसी ने नहीं सुना है तो मुझे नहीं लगता यार कि आपने इस्लाम को थोड़ा भी पढ़ा भी है। तो आप तो नहीं, एक मैं पहले काम बोला कि मैं करिए, नहीं पढ़ा हूं ज्यादा, क्योंकि मेरे घर में वैसा माहौल है नहीं। हम आप फिर किस 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 लिहाज से आप इसका दिफा करने के लिए आ सकते हैं जिसको आपने पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, सूरह यासीन तक नहीं पढ़ा पता है आपको? तो ये थोड़ा अजीब लगता है यार। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारी स्ट्रीम भी देखिए और थोड़ा इल्म हासिल करिए। और मैं तो कहता हूँ इस चक्कर में आप पढ़िए ही मत, आप जैसे हैं जिस तरीके के मुसलमान हैं उसी में रहिए, ये पूरे यानी बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि सब मुसलमान आप जैसे हो जाए।
जिसको कुछ पता ही नहीं हो इस्लाम का, हाँ माशाल्लाह खैर से, हाँ बिल्कुल सर, अल्लाह की माशाल्लाह खैर से जहन्नम में जाइए, बहुत अच्छी जहन्नम है, तो आप उसमें जाइए बहुत मजे से, अल्लाह यहाँ पिरोएंगे जंजीरें लोहे की, तो एंजॉय देखिए ये कीजिएगा, गलत बात ये मैं है, नहीं कह रहा ये सर, आपका गलत, कुरान कह रहा है सर, आप जाइए और एंजॉय कीजिए इसको। आप सिर्फ है ना इब्राहिम भाई, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ आप अपने मस्जिद के इमाम के पास जाके आप जिस इस्लाम को मानते हैं ना उनके सामने वो पेश कर दीजिए बस। क्योंकि देखिए मसला हमारे में नहीं है, हम स्ट्रीम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बाखबर नहीं है, आप बेखबर है उससे कि मस्जिदों में और मदरसों में और जो बाकी लोग हैं मुसलमान उनको क्या तालीमात दी जा रही है इस्लाम की। उनको ये सिखाया जा रहा है कि इस्लाम ही सबसे सच्चा है, इस्लाम कयामत तक के लिए है। जो इस्लाम मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले बताया जो तरीका था, एग्जैक्टली वो तरीके पे आप चलोगे तब जाके आपको जन्नत मिलेगी। तो आप बेखबर है, तो यहाँ पे आप इस्लाम को डिफेंड करने के बदले आप जाइए किसी मौलवी के पास आसपास की मस्जिद में और वहां पे अपनी राय आप पेश मेरे घर करिए। पे आइए कभी, यार मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको, आप कोई आलिम के पास जाएं और अपनी राय पेश करें और उसके बाद यहाँ पे आके बताएं कि उन्होंने कहा क्या है। ठीक है, हम किसी और को आप मौका देते हैं सर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो हम आपसे बहस क्या करें। जी, थैंक यू, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यह है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी शुक्रिया।